राधे राधे भाई। आज सबके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगर अच्छे देश के नागरिक बनना है ना तो उसको फॉलो भी करना ज़रूरी है। कल आपने न्यूज़ देखी होगी, आज के अखबार में भी देख ली होगी, पटियाला में एक ASI का हाथ काट दिया गया। वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं और तुम लोग अंदर बैठे हुए, या कल किसी और के फादर के साथ हुआ है, कल को तुम्हारे फादर के साथ भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे फादर पुलिस में ही हो, ठीक है। तो जो पटियाला में हरकत हुई है, ये हरकत हर जगह ना हो। पुलिस वालों की इज्जत कीजिए, पूरा दिन खड़े रहते हैं वो, ठीक है, थोड़ा सा इज्जत कीजिए उनकी। और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं, एनालिसिस करके पूरा के पूरा जूम क्लाउड मीटिंग ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए। अरे बैठने से क्या फ़ायदा। जूम क्लाउड मीटिंग ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैं भेज दे रहा हूँ, पासवर्ड भेज दे रहा हूँ। मीटिंग का टाइम 11 बजे रहेगा, राधे राधे। मीटिंग का टाइम 11 बजे रहेगा और सब लोग जो भी बात करनी है, कम से कम 100 मेंबर्स उसमें ऐड हो सकते हैं। तो 100 मेंबर्स, हर 10 मिनट की मीटिंग होगी। 10 मिनट की मीटिंग में जो भी तुम्हारे एरिया में हो रहा है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कहीं कुछ भी हो रहा है, तुरंत वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, जो मीटिंग टाइम है उसी में देखो आसपास निकल के कि कौन 5 रुपए वाली चीज़ खरीदी हुई मार्केट से 10 रुपए में बेच रहा है। क्योंकि अब बहुत हो गया, मैंने 24 आवर से मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया तुम लोगों को सोचने के लिए जब से मैंने वीडियो डाली है, बट तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे आस पड़ोस में अभी भी ब्लैक मार्केटिंग बहुत जोरों तोरों से चल रही है, ठीक है। मसाले पुड़िया ऊपर से सख्त ऑर्डर है कि बंद हो चुके हैं, फिर भी लगातार बिक रहा है। कैंसर ज़्यादा ज़रूरी है क्या? तो इंजेक्शन लगा के फिर कैंसर का वायरस दिया जाए फिर आराम से, अगर ज़्यादा ही मजा करना है तो। जहाँ भी ऐसा दिखे तुरंत के तुरंत जला दो सारा सामान निकाल के, और अगर कोई रोकता है तो फिर वैसे बताइए, कोई नहीं रोकेगा। हम BJP की हेल्प कर रहे हैं, और ये BJP की न्यूज़ निकली थी कि अगर कोई भी हेल्प करेगा या कोरोना से रिलेटेड कुछ करेगा तो उसे कोई नहीं रोकेगा। तो अगर ये बात भी झूठला दी गई तो फिर ऐसी गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या कि जो अपनी बातों को कहकर मुखर जाए, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। युवा हैं हम, सपोर्ट कीजिए पुलिस वालों का, ठीक है। और देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब घूमने के लिए निकल सकते हो तो कम से कम सपोर्ट देने के लिए भी निकल जाओ। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम्हारे फादर नहीं होंगे उसमें, उसमें तुम्हारे फादर भी हो सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं हर किसी के फादर पुलिस में ही हो, कहीं भी किसी भी समय अगर दिक्कत आ गई ना। और जितने भी इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं वो ड्रोन तैयार करें, ठीक है, ड्रोन तैयार करने के बाद में उसको अपने हिसाब से चलाएं, जिससे ये होगा कि भाई साहब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कल पटियाला में ऐसा हुआ है यार, बहुत शर्मनाक बात है ये, बहुत शर्मसार वाली बात करने वाली बात है कि कल एक पुलिस वाले का ASI कोई पोस्ट का वो ही नहीं है, हाथ काट दिया गया उसका। अगर सब्जी लेने के लिए तुम लोगों को रोका गया या किस लिए रोका गया, तो ऐसा है देखिए, अब हर घर में नागरिक खुद नेता होगा, सपोर्ट के लिए पुलिस वाले खुद होंगे, तो किसी को हथियार रखने की जरूरत नहीं है। हथियार जितने भी हो सके सब निकाल दो बाहर, हथियार निकाल दो बाहर जितने भी हैं उनके सपोर्ट के लिए। जब हथियार यूज़ करने वाले पर्सन्स को पावर्स दी जाएंगी तो फिर हथियार का क्या करोगे रख के। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। तुम लोगों के लिए सबके लिए ऐप लेके आए हो, जूम क्लाउड मीटिंग, जो भी मीटिंग करनी है लॉकडाउन के थ्रू आप मुझसे मीटिंग कीजिए। 100 मेंबर्स ऐड होंगे, 10 मिनट की मीटिंग होगी, ठीक है। आप लोगों कम से कम, अरे कोई अच्छा काम हो रहा है अपने देश में तो कम से कम उसका सपोर्ट कीजिए, इसमें किसी का फायदा नहीं है। और आपको बता दूं, यूट्यूब से जितनी भी अर्निंग्स की है ना, 20% गवर्नमेंट ने काटा है मेरा टैक्स। मैंने अभी तक अपना अकाउंट नहीं जोड़ा है और ना मुझे जोड़ना है अकाउंट। 100% मैं गवर्नमेंट के अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लगाऊंगा। अरे लॉकडाउन बढ़ता है भैया तो बढ़ जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, घर में रहिए कम से कम। और अगर निकलना भी है तो कम से कम सपोर्ट कीजिए पब्लिक का, पुलिस वालों का सपोर्ट कीजिए, दिन भर खड़े हुए हैं भाई। थोड़ा सा कम से कम उनके लिए खाना वगैरह जो भी है थोड़ा सा बना के भेजिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है वो बेचारे खा के ही खड़े हुए जब लॉकडाउन में कोई दुकान नहीं खुली हुई है। और मैंने ऐप्स की एनालिसिस कर ली है, ठीक है।
और ऐप से निकालने वाला हूँ जितने भी सेक्सुअल कनेक्ट ऐप हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी गंदगी तुम लोगों के दिमाग में होगी ना उतना ही तुम लोग ये सब करोगे, ठीक है। राधे राधे।